वर्ल्ड कप से पहले ही बुरी फंसी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, इन वजहों से रोका गया वीजा। इंडिया ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को नहीं दिया वीजा, वर्ल्ड कप खेलने का पेंच फंसा। आखिर वर्ल्ड कप खेलने कैसे इंडिया आएगी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, क्या है पूरा मामला? जी, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के ऊपर एक के बाद एक कई संकट के बादल मंडराते जा रहे हैं। पहले एशिया कप में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बुरी तरीके से हार कर बाहर हुई, उसके बाद वर्ल्ड कप टीम के सिलेक्शन पर भी बड़ा बवाल हुआ। काफी देरी के बाद वर्ल्ड कप टीम का चयन हुआ। वहीं कल के दिन आईसीसी की वनडे रैंकिंग में भी पाकिस्तान को करारा झटका लगा, जब टीम इंडिया ने उसे पछाड़ कर नंबर एक का पायदान हासिल कर लिया। एक तरीके से कहे तो इस समय पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं। हर तरीके से पाकिस्तानी टीम की बैंड बजी पड़ी है। इंडिया ने वर्ल्ड कप खेलने वाली सभी टीमों को वीजा उपलब्ध करा दिया है, लेकिन पाकिस्तानी टीम को वीजा नहीं दिया गया है। वर्ल्ड कप खेलने वाली सभी टीमें एक एक कर इंडिया पहुंच रही हैं, लेकिन पाकिस्तानी टीम के इंडिया आने को लेकर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम अपने तय समय पर इंडिया नहीं पहुंच पाएगी। वहीं खबरों के मुताबिक पाकिस्तानी टीम को वीजा क्यों नहीं दिया गया है, इसकी कई बड़ी वजह सामने आई है। दरअसल वीजा कई जांच प्रक्रिया के बाद दिया जाता है, और पाकिस्तान को वीजा देने में कई तरह की जांच एजेंसियां शामिल होती हैं और कई विभागों से परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि दोनों देशों के रिश्ते खराब है। जब पाकिस्तानी पासपोर्ट धारक को भारतीय वीजा जारी करने की बात कही जाती है तो तीनों मंत्रालयों यानी गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और खेल मंत्रालय से मंजूरी लेनी पड़ती है। इस पूरी प्रक्रिया में काफी समय लगता है। पाकिस्तानी टीम ने इंडिया आने के लिए वीजा काफी देरी से अप्लाई किया था, साथ ही वीजा न मिल पाने की एक और बड़ी वजह सामने आई है। क्रिकेट वेबसाइट ESPN क्रिकेट इन्फो के मुताबिक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का प्लान था कि वो इंडिया आने से पहले दुबई में अपना प्री वर्ल्ड कप कैंप करे, और पूरी टीम कुछ समय दुबई में ही बिताना चाह रही थी, लेकिन इंडिया ने पाकिस्तानी टीम को वीजा नहीं दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम को दुबई का कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। हालांकि पाकिस्तानी टीम को भरोसा है कि आने वाले एक दो दिन के अंदर उसे इंडिया से हरी झंडी और वीजा मिल जाएगा। ऐसे में पाकिस्तानी टीम ने नया प्लान बनाया है। अब बाबर की सेना 27 सितंबर को दुबई के लिए उड़ान भरेंगे और 29 अगस्त को दुबई से हैदराबाद के लिए पहुंचेंगे। पाकिस्तान का पहला अभ्यास मुकाबला हैदराबाद में ही होना है, जहां वो न्यूजीलैंड की टीम से भिड़ेगी। यह अभ्यास मुकाबला स्टेडियम में बिना फैंस के खेला जाएगा, क्योंकि हैदराबाद पुलिस ने अभी तक पर्याप्त सुरक्षा देने की बात नहीं कही है, जिसकी वजह से यह मुकाबला बिना किसी दर्शक के होगा। पाकिस्तान दूसरा प्रैक्टिस मैच 3 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। आपको बताते चले कि इस वर्ल्ड कप में कुल 10 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें से इंडिया ने 8 विदेशी टीमों को भारत आने का वीजा दे दिया है। इंडिया ने केवल पाकिस्तान पर ही रोक लगाया है। वीजा समय से न मिलने के कारण पाकिस्तानी टीम के खेल पर भी बड़ा प्रभाव देखने को मिल सकता है। पिछले 10 सालों के आंकड़ों को देखा जाए तो पाकिस्तानी टीम सिर्फ एक बार भारत आई है, वो भी साल 2016 के T20 वर्ल्ड कप में। इससे पहले दोनों टीमों की सीरीज साल 2012-13 में हुई थी, तब पाकिस्तानी टीम इंडिया आई थी। उसके बाद दोनों देशों के बीच कोई भी सीरीज नहीं खेली गई है। वैसे आपको क्या लगता है कि कितनी जल्दी पाकिस्तानी टीम को वीजा मिल जाएगा? क्या है आपकी राय? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।